हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। देखो कुछ इस तरह, जैसे कि मैंने आपको कल गोवर्धन दिखाया था, तो आज वो 24 घंटे 12 घंटे हो गए हैं, तो पूरा विदाई होती है अच्छे तरीके से होती है, जो आयोजन ये पूरा रखते हैं। तो मैं चाहता था कि आपको पूरी परिक्रमा देखने को मिले, पूरा चीज़ देखने को मिले कि कैसा होता है कैसा नहीं, और फिर एंड में क्या करते हैं। तो उसी के लिए मैं वीडियो बनाने आया हूँ कि एंड में आपको सब चीज़ दिखाई जाएगी कि इस गोबर का, जिस गोबर से बाबा को बनाते हैं उसका एंड में क्या किया जाता है ये भी पता लगेगा। और इस चीज़ के लिए ही मैं आपको पूरी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, दिखाने के लिए आया हूँ, और आपको दिखाते इससे बढ़िया कहीं गोवर्धन पूजा हो रही हो तो कमेंट करके बताना, पूरे हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कहीं नहीं है मेरी नज़र में। तो मैंने आज पहली बार इतना बहुत बढ़िया देखा, क्योंकि बंदे दूर दूर से आए, बहुत दूर दूर से आए ये देखने गोवर्धन पूजा, उनसे भी मुलाकात करते। चलिए शुरू करते। देखो ऑटो वाले भैया भी यहाँ पे रुके हुए देखने के लिए। हाँ जी भैया नमस्कार, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम तेज के बोलो थोड़ा। मैं बदरपुर से आया हूँ। बदरपुर से आया हूँ मैं, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते भैया, स्पेशल ये गोवर्धन पूजा देखना आया हूँ, स्पेशल गाड़ी छोड़ के आप सिर्फ गोवर्धन पूजा देखना आया। तो देख लो कितनी फेमस गोवर्धन पूजा है कि बंदे दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। कैसा लगा आपको, अभी गए हो आप दर्शन? ये हमारी कल की वीडियो में नहीं आ पाए तो इन्होंने बोला आज की गाड़ी छोड़ के ये स्पेशल आए हैं, बाबा के दर्शन पाने आए हैं। चलिए आपके साथ हम भी दिखाएंगे, ये देख सकते हो आप बहुत चकाचौंध इतनी अच्छी। और ये हमारे साथ भवानी भैया जो कल भी मिले थे आपको और आज भी मिल गए भैया, नमस्कार। शुरुआत हमारी इन्हीं के साथ हो गई है और देख सकते हो कितनी चकाचौंध लगा रखी है, पूरी अच्छे तरीके से सजा रखा है पूरा रोड, और बहुत बढ़िया तरीके डेकोरेशन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से सजा रखा है ये गली वालों ने एकदम बहुत, और सारे कार्यकर्ताओं ने। और ये देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे तरीके से विदाई के लिए भी बहुत तैयारी हो रही है, ये सारे विदाई के लिए तैयारी की जा रही है, सारे दिए विए जलाए जा रहे हैं और पूजा वूजा की तैयारी हो रही है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ। और इसी के साथ विदाई के साथ यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप डांस का प्रोग्राम भी है, कल की झांकियों की झलक आपने देखी ली होगी और कल की पूजा की भी वीडियो आपने बहुत अच्छे देखी होगी। और अब आज का प्रोग्राम मैं खुद शूट कर रहा हूँ, आपको सब दिखाऊँगा, घर बैठे आप दर्शन करो। पर इससे बढ़िया मेरे को नहीं लगता कि कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं गोवर्धन पूजा हो, मेरी नज़र में तो यही सबसे बेस्ट है, और आपकी नज़र में कहीं और अच्छी हो रखी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वहाँ का शूट करेंगे अगले साल। पर मेरे पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ये गोवर्धन पूजा है, यहाँ पे बच्चे बड़े लेडीज जेंट्स सब अपना सहयोग। अरे भवानी भैया वृंदावन बिहार लाल को धूमधाम से विदा करें अगले साल के, फिर से उतने ही उत्साह से मनाने के लिए। और मेरे को गौरव भाई मिले थे और वो ये कह रहे थे कि ये जो गोवर्धन का उत्सव जो हम मनाते हैं वो शायद दिल्ली का तो सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी कि यहाँ के बच्चों की जो प्रेरणा है, जो कलाकृति है, आप इसको गौरव भाई अगर मेरा आप बात सुन रहे हो तो देखिएगा, जूम करके दिखाइएगा कि इतना बढ़िया। मैं आज पूरे नेटवर्क देख रहा था इंटरनेशनल भी, किसी ने भी इतना बढ़िया गोवर्धन नहीं बनाया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यदि किसी को इससे बढ़िया कोई गोवर्धन दिखा हो सजा हुआ, जिसमें इतना उत्साह हो, जितने इतने प्यार हो, जितने इसमें इतना कलात्मकता हो, तो वो कमेंट करें हमारे दोस्त को जो कि इसको बहुत अच्छे ढंग से शूट कर रहे हैं। और मैं जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है उससे कहूँगा कि समापन समारोह में जल्दी आए, क्योंकि उसी के अनुसार आज है इस कार्यक्रम को करने का, इस कार्यक्रम के समापन का। एक एक व्यक्ति जो इससे जुड़ा है वो पिछले कई दिनों से जुड़ा है, क्योंकि इस तरह के आयोजन एक दिन में पूरे नहीं होते। तो जब मैं कह रहा हूँ इस बात को तो इसका विश्वास आपको तब होगा जब आप इस वीडियो को भी देखेंगे जो हमारे गौरव भाई शूट कर रहे हैं। और
देखिए अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो जल्दी आए ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू कर सके। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आ रखे हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। अब पूजा प्रारंभ हो चुकी है तो मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी जितने भी महिलाएं यहाँ पर विराजमान है मातृशक्ति, उनको कहूंगा कि आप आराम से बैठे और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो मस्त मनोरम कार्यक्रम होने वाला है उसके साक्षी बने। हुजूम आ रहा है भीड़ का और ये जो चैनल का नाम है वो है दैया 09। मैं ठीक हूँ भाई? हाँ जी हाँ जी। तो दैया 09 को जरूर सब्सक्राइब करें, उसको आप देखें कि किस तरह से ये यहाँ के जो कलात्मकता है, जो जो सादगी है, जो सहयोग है, जो साथ है, वो निभा रहे हैं हमारे यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे। और आज के इस समापन समारोह के बाद हम इंतजार करेंगे अगले साल का। आरती का समय हो गया है, सभी लोग कृपया खड़े होकर के आरती करें और आह्वान करें अपने श्री कृष्ण जी का जिन्होंने यहाँ आकर हमें अनुग्रहित किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरी दशरथ बहु अरग बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, धन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे बल पावे, दुख विन से मन का, हो स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो प्रकृति मैया की पार की जय, श्री राधे 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 कृष्ण की, बोलो गोवर्धन भगवान की जय, बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय, बोलो साचे दरबार की। भगवान ने उनको इतना सुनाया, इतना ज्यादा उनको भगवान के प्रति प्रेम दिखाया, वो लोग कर रहे हैं परिक्रमा और इसकी जरूर वीडियो बनाइए मेरे भाई, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा जय हो। ये तीन परिक्रमाएं होंगी और ये अंतिम परिक्रमाओं के बाद सभी कंटेस्टेंट रेडी रहे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। दिख रहे हैं मुझे बहुत खुशनुमा चेहरे जो, और ये सब वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया बना पाते हैं। बोलो दुर्गे बिहारी लाल की जय, बोलो गिरधर गोपाल की। हमें इतना ही सक्षम रखे, इतना ही हमें ताकत दे कि हम हर साल आपके आगमन पर और आपके जब आप अगली बार आपको बुलाएं इतने ही हम ज्यादा खुश रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया, नारे के साथ अपने चलते रहे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बढ़िया से दो नहीं हुई हुई तीन हुई है, पांच करोगे, सात सात करेंगे, सात कोश की परिक्रमा। भाई क्या बोला था, परी और उसका भाई है ना, और लविया मंडित परी भाई अलग से भी लिखा है और युग, तो हमारे पास 24। कहते हैं कि जब बड़े से बड़ा कोई काम होता है उसमें हर किसी का जो पार्टिसिपेशन होता है, अगर उसमें भाव हो, उसमें उसमें मेहनत हो, तो उसके पीछे में एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि जब राम सेतु बना तो भगवान राम ने कहा कि ये जो सेतु बना है इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो है गिलहरी का,
क्योंकि गिलहरी ने क्या करा, अपने पूरे शरीर को लपेटा, बार बार समुद्र पे गई और छिटक करके उसने अपनी बिट्टी को छिड़का। तो हमारे पास एक गिलहरी है, ये जोश ये खरोश जगाने के लिए तीन विभूतियां हैं जिनके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया और इसमें कहीं भी कोई लाग लपेट नहीं है। तो मैं तीन महानुभावों को जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के सबसे पहले हीरो हैं, मैं बुलाना चाहूंगा तनिष्क को और रजिंद्र भाई माला पहनकर और सबके सब ताली इतने गूंज के साथ बजाएंगे। तनिष्क, शीनू और अज्जू। तनिष्क, शीनू और अज्जू, दिख रहे हैं आपको ये 3-3.5 फुट से भी कम के, और इनका जोश, इनका खरोश और इन्होंने जो काम किया है। अज्जू कहाँ गया भाई? शीनू गायब है। आइए प्लीज, और हम अपनी समिति की ओर से, और ये जो सारा जो प्रसारण आप देख रहे हैं वो है TR09, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करें, प्यार करें, दुलार करें। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर दिल्ली में या आसपास या पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसा कोई आपने कृति देखी हो तो उसको बताएं हमें। बेस्ट आपको गोवर्धन की जो बात हुई है उसके पीछे जिनका हाथ है उनको सम्मानित करने का हमें अवसर मिल रहा है। तो जोरदार तालियों से इन तीनों का स्वागत कीजिएगा, तनिष्क, शीनू और अज्जू। और आप लोगों के कंधे पे ये अब जिम्मेदारी है कि अगली बार आपको फिर इससे बढ़िया करके दिखाना है। तो एक बार फिर सब बांके बिहारी का जयकारा करते हुए जय हो, जय श्री राधे, राधे राधे। आप सबको सदबुद्धि, बच्चों आपको सदबुद्धि मिले, आप बहुत ढंग से काम करें। रविंद्र भाई आप इनको माला बना करके इन सबका स्वागत करें और तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक। हाँ, मेरे पीछे आवाज आ रही है कि डांस कब होगा, डांस वन सब होगा। ये लाल रंग की सभी को मेरे प्रभु राम पर कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं, आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी। दस्तक गिनूंगा, राम दिखते ही, पढ़ते ही, लिखते ही या देखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध के रखेगा, पूछूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो? भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना न कर पाओगे, शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे।
काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा ये सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ, नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात यहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है, भरत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। भाई बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं वहाँ पे सब लोग यही कहते हैं हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं, यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है, नहीं तुम में आते हैं रहने, सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहना, चलो तुम्हें तो राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ बताओ फिर की क्या है राम, बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम, यवन सात धनुष तरकश में बाण, यवन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहें अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो, कि तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, कि तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, ये दायां बायां ये क्या कहते हैं उसे तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में, वो लेफ्ट एंड राइट, राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, पर एक चेतावनी को मेरी अपने जहन में डालो तुम, निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार, अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो, भारत भूखा कभी हूँ मैं तो ही निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में मैं बजरंग में रहता हूँ, भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, इसलिए कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में, तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं, राम कृष्ण की प्रतिभा पे पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए, पल पल हंसना भी है पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है सब पाकर सब खोना भी है राम, ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हर छोड़ जो रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाएं, शेष नाग खुद लक्ष्मण बन जिनके रक्षक हो जाएं, और तुम लोग छलकपट करो अहंकार सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचरित का इल्म नहीं भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए, भगुआ क्या है क्या नहीं लहराना सबको होता है, अरे भगुआ क्या है वो जाने जो भगुआ ओढ़ के सोता है, राम से मिलना राम से मिलना राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को जाना होगा। सिया राम। स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में, कविता ना कुछ ऐसी है कि अगर आप इसको अपनी लाइफ में करोगे तो आप पक्का स्वर्ग में जाओगे, अगर आप नहीं करोगे तो आप पे। श्री कृष्ण ने साफ कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो वो कहाँ निष्फल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है,
लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोना जब पकता है तब उतनी चमक भरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना प्रखर निकलता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं। तू सोचे रहा सरल होगी, हर एक संघर्ष का फल मिलेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल हो। गिफ्ट बांटा जा रहा है सबको, बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका सारे कार्यक्रम, और जो डांस कर रहा था उन सब बच्चों को मिलते हुए आपको, सब बच्चों का हौसला बढ़ता है, इसी छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहिए बढ़ते हुए। इसके बाद सारा कार्यक्रम होगा, विदाई होगी, पहले प्रसाद बट रहा है उसके बाद विदाई होगी। ये देख सकते हो हमारे ताऊ जी प्रसाद बांटते हुए खिचड़ी का, जो आपने देखे थे ये गोवर्धन बाबा, अब इनकी विदाई होगी, ये सब दिखाया जाएगा, विदाई किस तरीके से होगी, किस तरीके से ये सारा आयोजन तो देख लिया था आपने, अब विदाई का दिखाऊंगा, एंड तक बने रहना। अब बस विदाई का ही टाइम आने वाला है, होने वाले बस 5-10 मिनट में विदाई हो रही है, तो आप वो भी देखो, लास्ट तक बने रहो कि किस तरीके से शुरुआत हुई है और किस तरीके से एंड होता है, क्योंकि आज तक मेरे को भी नहीं पता था कि एंड किस तरीके से होता है, फिर इस चीज़ का क्या किया जाता है, वो सब अभी दिखाएंगे आप सभी को। ये सब हटाया जाएगा धीरे धीरे, उसके बाद वो कलर हटा रहे हैं बस अभी, उसके बाद धीरे धीरे सब हटेगा, सब प्लेन हो जाएगा, जिस तरीके से पहले था वैसे ही रहेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी विदाई होगी, जिस तरीके से इन्होंने लगाया उसी तरीके से हटाएंगे भी, कोई ये नहीं है कि लगा के छोड़ दिया है। सारा कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है इधर 09 के चैनल पे, विदाई बाबा जी की विदाई हो रही है, और बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो ये देखो, ये है गोबर, ये देखो इस तरीके से हटाया जाता है, इस तरीके से सारी हटाया जाता है, इस तरीके से हटाया जाता है, देखो कुछ इस तरीके से सब हटाया जाता है, इधर सब कार्यक्रम इधर आप देख सकते हो, ये विदाई हो रही है, मतलब ये बाबा की विदाई इसी तरीके से होती है, आप सोचोगे ऐसे कर रहे हैं पर तरीका ही यही है विदाई का, बाबा का, और गौ माता भी हटेगी, अब वो सब हटेगा। चलिए गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कैसी लगी हमारी गोवर्धन बाबा की वीडियो, और शुरू से लेकर एंड तक आपको विदाई तक भी दिखा दिया मैंने, आज तक किसी ब्लॉग में आपको देखने को नहीं मिली होगी, तो आज हमने दैया 09 के चैनल पे गोवर्धन पूजा और विदाई सब दिखा दिया, और बच्चों का इतना अच्छा सुंदर डांस, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।